बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? उम्मीद है खैरियत से, अल्लाह का शुक्र हम सब भी खैरियत से। आई आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज की वीडियो भाई को जैसी है माशाल्लाह भाई, आज 12 रबीउल अव्वल है, आज 12 रबीउल अव्वल का दिन भाई है ना भाई, है ना भाई, आज हम हर साल करते हैं देख, नहीं देख नहीं बनाते, पहले मिलाद वगैरह कराते थे, इसीलिए आज हमने भी देख बनानी है, मस्जिद में देनी है, उसके बाद अल्लाह ताला तौफीक दी तो मिलाद घर पर ही हम करवाएंगे। तो चले देख का सामान जो है वो इकट्ठा करते हैं, उसका साफ सुथरा करना है, चावल भाई जो पकाने वाला वो अभी आ रहा है, तो चले चलते हैं। हाँ जी चलो उठाएँ उठवाएँ चलो। अच्छा जी, अच्छा इसके अंदर बिरयानी का सारा मटेरियल है। हाँ जी सारा ही है, निकाल लेना। ये क्या है? ये बिरयानी मसाला, इसके अलावा साथ इसमें वो जो डालते हैं इमली, आलू बुखारा, मिर्ची वगैरह, धनिया और हल्दी, गरम मसाला, सब कुछ है इसमें। ये की है ये भी उधर रखा, ये बकाया है दस चावल। कितने किलो चावल है? हाँ जी कितने किलो है? 10 12 12 किलो चावल। चलो अभी जो है अंदर चावल वगैरह जो हम साफ करते हैं, उसके बाद भाई जो पकाने वाला वो अभी आने वाला है, पका के हमने भी मस्जिद में बांटनी है, क्योंकि ना मस्जिद में मिला दें। हाँ जी, ये ना ये आस पास आधी जो है ना वो हम सारे में बांटेंगे, ठीक है, और घर में एक छोटा सा मिलाद है, इसके अलावा दुरूद पाक का जो है हाँ करवाना है, तो थोड़ा बहुत इंतजाम घर पे है, बाकी मस्जिद में है, तो कुछ जो है वो इधर बांटी जाएगी और कुछ जो है मस्जिद में। हाँ जी मस्जिद में पहले भी काफ़ी देखी है कि हम कहना, लेकिन मस्जिद में वो मामू कह रहे थे कि हमारा भी हिस्सा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ तो हमारी भी जानती है, इस वजह से हमारी भी हाफ जाएगी और बाकी भी लोग हैं जो बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन भाई इसकी बेटी की शादी है, मियाँ इसका फौत हो, हाँ जी, तो लेकिन भाई इसको हेल्प की ज़रूरत है। ये कहती है कि ससुराल वालों पहले रिश्ता कर लिया, उसके बाद ना उन्होंने कहा कि भाई हमें जो एज की डिमांड करनी शुरू कर दी, इस वजह से ना इस बेटी का ना रिश्ते का मसला चल रहा है। तो लेकिन ये यही तर मिन्नत तरला सब का कर रही है, भाई कोई मेरी हेल्प कर दे, मैं बेटी का जहेज मुकम्मल करूँ, उसकी रुख्ती करूँ, माशाल्लाह अपनी कारबारी हो जाए। माशाल्लाह भाई इसकी कितनी बेटियाँ हैं आपकी? 7 बेटियाँ। 7 बेटियां? सिर्फ शादी कितने की हुई? भी सुन ले, शादी 4 की बेटियां की हुई है, ये मियां मेरा फौत हो, मैं बेवा, मेरी बेटी की शादी है, कोई हेल्प लेने चाहनी है ते बाजी इमदाद कर दी मेरी जितनी हो सकती सो, मेहरबानी की जा। तो अभी 3 बेटियां रहती हैं, अभी एक की शादी है, 3 बेटियां रहती हैं, बार भी अबाश वगैरह होंगे ना, मकान भी ना गिर गया ना, छत भी नहीं है इनकी, गिर गया। हां अच्छा, इस बात का मुझे इल्म नहीं था, मकान ही गिर गया, लेकिन वो थोड़ा सा काम शुरू, एक भैंस थी इनके पास दूध वाली, जो वसीला था भाई, तो कोई दूध वगैरह सेल करती थी, उसके से भाई अपना घर का निज़ाम चलाती थी, लेकिन वो भी इसने सेल करके वो मकान बनाने की कोशिश की है, लेकिन उनसे मकान जो है ना इसका मुकम्मल नहीं हुआ, नहीं हुआ, आधी में रुक गया है, देखो पैसे ख़त्म हो गए, मकान पर भी पैसे लगते हैं, लेकिन कच्चे बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ईंटें नहीं हैं, ईंटें अगर काम पड़ गई हैं वो ना काम भाई इसका अधूरा ही रह गया है। अगर कोई हमारा बहन भाई देख रहा है इसको, तो अगर कोई इसकी हेल्प को भी कर देते भाई माशा, उसके उसका भी भला, इसका भी भला, अल्लाह ताला जिनको दिया हो अल्लाह हर एक को अजर अजीम देगा बेशक, पास तो है ही सही ना जी जी। तो जो बेचारे शायद ऐमे बैठे ना, बस सर्दी का मौसम आ रहा है, तो भी काफी बेना दिन वास्ते ना मसला बनेगा। मरहबा मक्के की आमद, मरहबा सोने की आमद, मरहबा रहमत बरस रहे है मोहम्मद के शहर में, हर शह में ताजगे है मोहम्मद के शहर में, दौलत सकूं की हर जगह हम ढूंढते रहे, दौलत सकूं की हर जगह रहमत बरस रहे है मोहम्मद के शहर में, हर शह में ताजगी है मोहम्मद के शहर में, हर एक भर रहा है यहाँ दामन मुराद, हर एक भर रहा है यहाँ दायर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर शह में ताजगी है मोहम्मद के शहर में, ऐसा लगा के सामने खुद आ गए हजूर, एक नात जब पड़ी है मोहम्मद के शहर में। अच्छा जी, तो फिलहाल जो है हम जो है चावलों की देख बना रहे हैं, जैसा कि आपको हमने पहले बताया, और फिलहाल जो चावल हमारे थे थोड़े साफ करने वाले,
तो उनको जो है ना पानी छानी में डाल के थोड़ा सा ना भिगो रहे हैं ताकि वो साफ हो जाए, जो भी अंदर कोई कीड़े मकोड़े हैं या जो भी अंदर होता है ये अंदर तो साफ हो जाए। ब्लैक ब्लैक सा कौन होता है ये जो काले काले नजर आ रहे हैं ये साफ कर रहे हैं। आई इधर जो वॉशिंग मशीन भी साफ साफ चली गई है। चलें अभी जो है हमारे चावल साफ हो जाते हैं, फिर जो हमारी देग है वो भी आई पड़ी है, सामान सामान सारा आ गया, हमारा जो नाई है जिसने पकानी है वो भी आ चुका है, तो अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं कहाँ तक हमारा प्रोसेस पहुँचा है। अच्छा ये तो फिलहाल जो हमारी देग आ गई है और ये रहा जो हमारा सामान जो हमने देग में डालना है। चाची जी भी हमारे आके बैठे हुए हैं, सामान सामान की तैयारी त्योरी कर रहे हैं। चाचा हमारे साथ कम ही बोलते हैं, काम में ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। फिलहाल जो हमारे यहाँ टमाटर और साथ प्याज ये मिर्चें ये सारा कुछ चाचा जी काट रहे हैं। फिलहाल जब देग पकेगी फिर आपको दिखाएंगे। हाँ जी भाई हमारा मिलाद जो है ना मिनी मिनी सब मिला है ना, वो कुछ हो गया कुछ बाकी है। अच्छा। अभी दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है। मैंने भाई इधर कोट वगैरह भी धो लिया, चावल धो लिया, पकाने वाला हो गया, फिर मसाले दिया ये सब मसाला वगैरह मैंने इधर ऐड करके दे दिया है। अब ये इधर से ना आके एक झंडा लेकर आया, ये पाया पे ना उसका उसके अंदर अभी ना चढ़ जाने ये। अच्छा मतलब ये जो है ना ये वाली जगह ये कम है, कम है तो सिलाई थोड़ी खुली करनी है, चौड़ी करनी है ताकि वो डंडा जो है ना इसके अंदर आ जाए पूरा। जी तो फिलहाल बाजार से हम एक झंडा लेके आए थे, वो हमने लगाना था, पहले हम ले आए थे तो वो उसकी थोड़ी सी फिटिंग नहीं आ रही थी, अब हमने दोबारा इसको बनाया। ये देख पहले एक छोटा सा हमने घर लगाया, एक ये है इसको इस पोल में लगा देना। अच्छा, अब इसको ना यहाँ से सीना सिलाई करना धागा है वो पड़ा। ये फिलहाल जो है हमारा झंडा वो लग गया नीचे से बाहर बोल दे गिरे नहीं कहीं। और फिलहाल चलते हैं जी हमारी देग, वो भी हमारा जो मुकम्मल हो गया। और इतनी गर्मी है ना जो काफ़ी धूप है बहुत सारी, जो जुलूस पे गया मैं वो कैसे निज़ाम चल रहा है। हमने भी जाना था लेकिन घर देग पक रही है वो हमने मस्जिद में देनी है फिलहाल, इसलिए हम खड़े हैं घर पे और जैसे देग पक जाती है वो फिर मस्जिद में दे आएंगे और वहाँ आपको दिखाएंगे कितना रश है, जुलूस कितना का आया वो हमारे साथ लेगा। अच्छा जी तो फिलहाल जो है हमारी देग वो चूल्हे पे चढ़ गई है और अंदर जो है प्याज वगैरह डल गए और वो भी गर्म हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से चूल्हा बनाया है और उसके अंदर लकड़ी कट रही है, कहता लकड़ी काम की नहीं है जो भी ये चला हो इसे फिलहाल। चलें जी फाइनली जो है हमारी देग वो पक चुकी है और फिलहाल अभी इसको लेके जाना है मस्जिद। और हाँ बाबा क्यों बनाई ये बाबा हंसदा ही रहा है बाबा नहीं बोले। हाँ बस ठीक है ओके जी देग बन चुकी है घर में, इतना कम इसे मामू ने कहा है ना मामू का, बाकी सारी मस्जिद जाएगी बस इतनी सी जाना ये घर में रहेगी। हाँ जी बिल्कुल। और इसमें से अभी तकसीम भी करनी है। हाँ जी मैं प्लेट ले आती हूँ जो हम साल में है इधर इधर देने हैं वो हम डाल के देते हैं, बाकी जो बच गए वो आप हम खाएंगे। ठीक है अच्छा भैया टाइम है जी तकसीम करने का। ओके जी मिलाद वगैरह जो है वो हमारा हो गया है, देग भी तकसीम हो चुकी है, मतलब हमारी जो टफ रूटीन थी ना दिन की वो हो गई है एंड। हाँ जी अब वापस आ गए हम अपने बिजनेस पे। हाँ जी इस तरह भैया देखें एक हमने वे कमीज भी सिलाई कर लिया है जी, ये है जी नेक्स्ट ऑर्डर, ये भी हमारी न्यूयॉर्क वाली ही आपी का जिनका एक ऑर्डर पहले डिलीवर हो चुका है, ये उनका सेकंड ऑर्डर है, पहले वो गर्मियों का ऑर्डर था अब नेक्स्ट अपकमिंग सीजन विंटर सीजन के लिए। ये देखें दामन गले पे इस तरह कढ़ाई भी है, ये इस तरह हमने इसका गला बनाया है। अच्छा पहले हम दिखाते होते हैं इस्त्री करके, आज हमने इस्त्री किए बगैर ही दिखा दिया। अब ये भी सिलाई की है ना, अब हम इसको प्रेस करके तो जिससे तय लगा के हम रख। अच्छा एक चीज मुझे बड़ी प्यारी लगी इसमें, एक तो इसका गला प्यारा बना है अच्छा ये वाला, और दूसरी चीज ये कि मुझे इसकी लेस बहुत प्यारी लगी, देखिए कितनी छोटी कितनी प्यारी बारीक बारीक से छोटी छिटकी बड़ी प्यारी, मैच भी ऐसे हो गए जैसे लगी नहीं है। हां बड़ी प्यारी लगी है माशाल्लाह। चलो जी यही थी भाई हमारी आज सारे दिन की रूटीन जो हमने आपके साथ शेयर की है, क्योंकि हमने बदेक भी बनाई है, तकसीम भी की है, छोटा सा घर में मिलाद भी करवाया है, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है, बरकतों वाला महीना है। तो इसी तरह ना भाई हमने एक बहन के लिए आपसे भाई हेल्प मांगी है, माशाल्लाह
वो हेल्प मांगी आपसे, फिर काफ़ी मजबूर है बेचारी बेबस से ना, बड़ी उसकी परेशानी, हमसे तो भाई देखी नहीं गई, हमने भी उसकी हेल्प की है, और अवार्ड गवार्ड जैसे पड़ोसी हैं जो पढ़ते हैं उनसे भी हमने लेकर उसकी हेल्प की है, अगर कोई और बहन भाई जो पढ़ता है वो उसकी हेल्प करे तो माशाल्लाह बड़ी खुशी होगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अपना ढेर ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ ही भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और हमारे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।